हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेरिक्स इन सी शार्प। आज हम जेनेरिक स्टडी करेंगे। जेनेरिक्स क्या होते हैं, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जेनेरिक्स की डेफिनेशन है, जेनेरिक्स मेक्स कोड टाइप इंडिपेंडेंट। जो आपका कोड होता है, जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में आप डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। तो सपोज आपने किसी वेरिएबल को इंटीजर बनाया तो वो इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग बनाया तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी भी डेटा टाइप पर वर्क करे उसे कहते हैं जेनेरिक। कोई ऐसा मेथड, सपोज कीजिए आपने मेथड बनाया दो नंबर एडिशन का, दो नंबर एडिशन करने के लिए आपने उसमें दो पैरामीटर पास किए इंटीजर टाइप के और रिटर्न भी आपने इंटीजर कराया, तो वो मेथड बाउंड हो गया कि वो मेथड इंटीजर पे वर्क करेगा। पैरामीटर भी इंटीजर पास करने पड़ेंगे आपको, वो रिटर्न भी आउटपुट इंटीजर में ही करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेनेरिक आया। .NET फ्रेमवर्क में जेनेरिक कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि एक ऐसा मेथड बनाओ जो किसी भी डेटा टाइप पे वर्क करे, इसे कहते हैं जेनेरिक। तो इसलिए कहा गया जेनेरिक्स मेक्स कोड टाइप इंडिपेंडेंट। क्या कोई भी डेटा टाइप पास कीजिए, इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो भी, वो किसी भी डेटा टाइप पे वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है जेनेरिक्स अलाउज यू टू डिफाइन ए क्लास विथ प्लेस होल्डर्स फॉर द टाइप ऑफ इट्स फील्ड्स, मेथड्स, पैरामीटर्स। जेनेरिक्स रिप्लेस दीज प्लेस होल्डर्स विथ सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाइल टाइम। तो फ्रेंड, जेनेरिक्स हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रैकेट्स। एंगुलर ब्रैकेट में हम टाइप डिफाइन करते हैं कि किस टाइप पे वो क्लास, वो फंक्शन, वो फील्ड वर्क करेगी। ठीक है फ्रेंड, ये हम एग्जांपल से स्टडी करेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट है ए जेनेरिक क्लास कैन बी डिफाइंड यूजिंग एंगुलर ब्रैकेट दिस लेस देन ग्रेटर देन साइन। तो फ्रेंड, जहाँ भी क्लास के नेम के साथ, मेथड के नेम के साथ या किसी फील्ड के साथ अगर एंगुलर ब्रैकेट कनेक्ट है, एंगुलर ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे जेनेरिक बना हुआ है, वो क्लास, वो मेथड, वो फील्ड जेनेरिक है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग इज अ सिंपल जेनेरिक क्लास विद ए जेनेरिक मेंबर, वेरिएबल, जेनेरिक मेथड एंड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल स्टडी करते हैं फ्रेंड। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, कंसोल एप्लीकेशन है ये, इसमें क्लास बनी हुई है। क्लास, क्लास का नेम है जी एफ जी और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टी लिखा हुआ है। टी का मतलब टाइप, डेटा टाइप। फिर उसके अंदर आते हैं, अंदर लिखा हुआ है टी डेटा। टी क्या है, टी है डेटा टाइप और डेटा है वेरिएबल। फिर उसके नीचे पब्लिक टी वैल्यू, एक प्रॉपर्टी बनी हुई है। ये क्लास का नेम है जी एफ जी, टी डेटा, पब्लिक टी वैल्यू। तो टी क्या है, डेटा टाइप, जिसे प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, यूट्यूब चैनल पे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड देखो, पब्लिक टी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी बनाते टाइम, प्रॉपर्टी का नेम क्या है, वैल्यू। प्रॉपर्टी बनाते टाइम उसका रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। रिटर्न टाइप क्या है, टी। गेट, गेट का मतलब रिटर्न करना वैल्यू। दिस डॉट डेटा प्राइवेट वैल्यू है, प्राइवेट फील्ड की वैल्यू रिटर्न करने के लिए, और प्राइवेट वैल्यू को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लिखा सेट। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पे टी का मतलब क्या है, टी का मतलब डेटा टाइप, कि ये क्लास किस टाइप पे वर्क करेगी। तो यहाँ पे जो आपने पास किया है वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, वही टाइप यहाँ पे आ जाएगी। ये भी इंटीजर, सपोज आपने इंटीजर पास किया तो यहाँ भी इंटीजर हो जाएगा, यहाँ भी इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर। ठीक है फ्रेंड, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जी एफ जी स्ट्रिंग, देखो कॉल कर रहे हैं क्लास, क्लास का नेम क्या है, जी एफ जी। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू न्यू जी एफ जी स्ट्रिंग, मीन्स मैंने बाउंड कर दिया, टाइटली बाउंड, कि ये जो क्लास है जी एफ जी ये सिर्फ स्ट्रिंग पर वर्क करेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे कंपाइल टाइम पे स्ट्रिंग लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, 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 जहाँ भी टी लिखा हुआ है क्लास के अंदर सब जगह स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये क्लास स्ट्रिंग पर वर्क करेगी, ये जो वेरिएबल है प्राइवेट वेरिएबल इसकी टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग, और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी टाइप भी क्या हो गई, स्ट्रिंग। तो फ्रेंड जहाँ भी एंगुलर ब्रैकेट यूज होता है क्लास के नेम के आगे, उसे हम जेनेरिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास बनाई है और क्लास को बनाया जेनेरिक। जेनेरिक मतलब टाइप इंडिपेंडेंट। ये क्लास स्ट्रिंग पे भी वर्क करेगी, ये क्लास इंट पे भी वर्क करेगी, ये क्लास डबल, फ्लोट, सब पे वर्क करेगी। तो देखो फ्रेंड, पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया नेम, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, उसको वैल्यू असाइन किया, बीटेक सी एस, डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग हो गया। फिर मैंने उसमें क्या पास किया, फ्लोट। अब मैं चाहता हूँ ये क्लास फ्लोट पे वर्क करे, तो मैं लिखा जी एफ जी फ्लोट, वर्जन इज इक्वल न्यू जी एफ जी फ्लोट। तो अब मैंने उस प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, उसे क्या असाइन कर दिया, फ्लोट। तो अब ये क्लास किस पर वर्क करने लगी, फ्लोट पे। आप इंटीजर पास कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप इंटीजर देंगे तो अब ये आप इस प्रॉपर्टी के अंदर इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं।
डबल पास कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, क्लास एक ही है और ये क्लास मल्टीपल डेटा टाइप्स के लिए वर्क कर रही है, मल्टीपल डेटा टाइप्स के लिए वर्क कर रही है। तो इस तरह के कोड को हम जेनरिक कहते हैं। एक ऐसा कोड जो मल्टीपल डेटा टाइप के लिए वर्क करे, इसे कहते हैं जेनरिक। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने एक मेथड को जेनरिक बनाया, मेथड डिस्प्ले, क्लास का नेम है सी एफ जी, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अब मैंने एंगुलर ब्रैकेट यूज़ किया है, तो एंगुलर ब्रैकेट का मतलब जेनरिक, जेनरिक बना रहे हैं एक ऐसा मेथड जो किसी भी डेटा टाइप पर वर्क करे। इसके अंदर आप टी भी लिख सकते हैं, मैं लिखा टाइप ऑफ वैल्यू, ये नेम है कुछ भी हो सकता है, आपका नेम भी हो सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्री डिफाइंड नहीं है, ये हम लिख रहे हैं मेरी तरफ से। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टी भी लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा था हमने टी, टी भी लिख सकते हैं, ये भी मैंने लिखा अपनी तरफ से, प्री डिफाइंड नहीं है। फिर मैंने लिखा मेथड के अंदर टाइप ऑफ वैल्यू, ये प्री डिफाइंड नहीं है। फिर मेथड के अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए, स्ट्रिंग मैसेज कॉमा, ये जो आप यहाँ लिखते हैं मेथड के अंदर वही यहाँ पे आएगा, टाइप ऑफ वैल्यू वैल्यू, ठीक है। तो अब इसे कॉल करेंगे, सी एफ जी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पी डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। तो मैं चाहता हूँ पहले ये जो मेथड एक इस पर वर्क करें इंटीजर पे, तो मैंने क्या पास किया, इंटीजर। फिर मैंने उसमें लिखा स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे क्या पास करना है, स्ट्रिंग मैसेज, तो यहाँ पे लिखा इंटीजर कॉमा, इंटीजर वैल्यू पास की। अब ये जब मैंने लिखा यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर इंट लिखा है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा इंट, और यहाँ भी क्या हो जाएगा इंट, जहाँ भी टाइप ऑफ वैल्यू है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है आपने वो सब जगह एक जैसा हो जाएगा, यहाँ भी इंट हो जाएगा, यहाँ भी इंट हो जाएगा, तो आप इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। फिर करेक्टर लिखा मैंने, अब मैं चाहता हूँ ये मेथड किसके लिए काम करे, करेक्टर के लिए, तो मैंने लिखा कैर, तो यहाँ पे भी कैर हो जाएगा, यहाँ पे भी कैर हो जाएगा। फिर डबल के लिए, तो यहाँ भी डबल हो जाएगा, यहाँ भी डबल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो हम एक मेथड को मल्टीपल डेटा टाइप के लिए वर्क करा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक मेथड बनाया मैंने एडिशन, मैं चाहता हूँ कि ये जो एडिशन मेथड है मल्टीपल नंबर मल्टीपल डेटा टाइप पे वर्क करे, ऐसा ना हो कि सिर्फ इंटीजर भी कर रहा है, इंटीजर पे भी, फ्लोट पे भी, डबल पे भी, सब पे काम करे। तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एडिशन मेथड, इसमें लिखा मैंने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टी, इसका रिटर्न टाइप भी टी है, टाइप, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा टी नंबर वन कॉमा टी नंबर टू। फिर मैंने लिखा नंबर वन, डायनेमिक कीवर्ड यूज़ किया, डायनेमिक ए इज इक्वल टू नंबर वन, डायनेमिक बी इज इक्वल नंबर टू, और उसको रिटर्न करा दिया। देखो फ्रेंड, मैंने एक ऐसा एडिशन मेथड बनाया जो मल्टीपल टाइप पर वर्क करेगा, मीन्स ये इंटीजर को भी ऐड कर देगा, फ्लोट को भी कर देगा, डबल को भी कर देगा। तो फिर मैंने इसके कॉलिंग के लिए क्या किया, क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ओ बी जे न्यू क्लास एट, फिर ओ बी जे डॉट ऐड ऐड किया, तो एंगुलर ब्रैकेट में मैंने क्या पास किया, इंट। तो जैसे ही मैंने इंट पास करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा इंट, तो यहाँ भी इंट हो जाएगा, रिटर्न टाइप भी इंट हो जाएगा। इस एडिशन किस पर वर्क करेगा, इंटीजर पे। ये जो पैरामीटर्स हैं ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटीजर में, तो सब जगह इंट हो जाएगा, इंट 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 इंट, ठीक है। और जब आप वैल्यू पास करेंगे तो रिटर्न भी क्या करेगा, ये इंट रिटर्न करेगा, ठीक है ना। चलिए इसको प्रैक्टिकल से स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड मैं कंसोल एप्लीकेशन ले रहा हूँ, इसमें क्लास बना रहा हूँ मैं, क्लास एग्जाम्पल्स, एक क्लास ले ली मैंने, मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक इंट एडिशन, पब्लिक इंट एडिशन इंट इंट फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। फ्रेंड मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नेम है एग्जाम्पल, उसके अंदर मैंने एक एडिशन मेथड बनाया, एडिशन में दो पैरामीटर पास करने इंटीजर टाइप के, इंट इंट, और मैंने रिटर्न भी किया, रिटर्न करा दिया दोनों का सम। तो फ्रेंड ये जो एडिशन मेथड है अब ये बाउंड हो गया है, टाइटली बाउंड हो गया है कि ये जो आप पैरामीटर पास करेंगे इंटीजर ही करेंगे, यहाँ भी इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर, और रिटर्न भी क्या कर रहा है, इंटीजर, ठीक है। इसे कॉल कर लेते हैं, तो कॉल कैसे करेंगे, क्लास के नेम से एग्जाम्पल्स, न्यू एग्जाम्पल्स, ओ बी जे डॉट एडिशन 30, 50, ठीक है फ्रेंड। कंसोल डॉट राइट लाइन
ठीक है फ्रेंड। मैंने एक एडिशन मेथड बनाया, उसको क्लास के नेम ऑब्जेक्ट से कॉल कर लिया। देखो फ्रेंड आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। तो आउटपुट आ गया फ्रेंड आपके सामने, एडिशन रिजल्ट इज 80। ठीक है, अब आपने कहा कि सर मुझे फ्लोट का एडिशन करना है, फ्लोटिंग नंबर का। तो ठीक है, आपने एक और मेथड बनाया, आपने कहा सर मुझे फ्लोट बनाना है। ये इंटीजर फ्लोट वाला काम नहीं करता, आपने कहा सर मुझे एडिशन, आपने इंटीजर तो करवा दिया, मुझे फ्लोट का करना है। मैंने कहा ठीक है फ्लोट का कर लो। तो फ्लोट के लिए अब यहां पे आ जाओ, एडिशन मेथड ओवरलोड हो गया, एक क्लास के अंदर दो सेम नेम के मेथड है, मेथड ओवरलोड। तो मैंने यहां पे लिखा 10, 20, 30, 40। ठीक है, फ्लोट है तो आपको एफ लिखना पड़ेगा, एफ एफ अब मैंने एक मेथड बनाया एडिशन फ्लोट के लिए, इसको भी रिटर्न करा लो। रिजल्ट 2। ठीक है, इसको रन करेंगे, फ्लोट एडिशन रिजल्ट इज दिस, एडिशन हो गया फ्लोट का भी। अब आपने कहा सर डबल का कराना है मुझे, डबल का कराना है, डबल करा लो। डबल डबल करा लो, अब मैंने डबल का भी करा लिया, इसको रन करा दिया, डबल एडिशन रिजल्ट इज दिस, आउटपुट आपके सामने, एडिशन रिजल्ट इंटीजर वाले एडिशन रिजल्ट हो गया 80, फ्लोट वाले का 40.6, डबल एडिशन 416.6। तो फ्रेंड मेरे कहने का मतलब ये है कि काम एक ही हो रहा है, काम एक ही हो रहा है, पहले इंटीजर का एडिशन, फिर फ्लोट का एडिशन, डबल का एडिशन। दो पैरामीटर का एडिशन के लिए मुझे कितने फंक्शन लिखने पड़ रहे हैं भाई, कितने फंक्शन, तीन फंक्शन हो गए। तो ऐसे ही मैं करता चलाऊंगा क्या, फंक्शन ऐड करता चलाऊंगा क्या, मुझे ये काम रह जाएगा क्या कि मैं ये करता रहूंगा, इससे क्या होगा, फंक्शन बढ़ रहे हैं, पैरामीटर बढ़ रहे हैं, मेमोरी लगेगी ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक फंक्शन बने, सिर्फ एक फंक्शन, कोई एक फंक्शन बना दें, उसमें हम किसी भी पैरामीटर को पास कर सकें। मीन्स एक एडिशन फंक्शन सिर्फ एक होगा, उसके अंदर हम सिर्फ टाइप पास करते रहेंगे कंपाइल टाइम पे, कि मुझे किस टाइप का एडिशन करना है, इंटीजर का करना है, फ्लोट का करना है, डबल का करना है। बात समझ में आई, आप बात समझ में आ रही है कि जैसे यहाँ पे तीन तीन फंक्शन है, तीन बार कॉल किया, मैं चाहता हूँ कंपाइल टाइम पे मैं सिर्फ लिखूँ, मैं पास करूँ इंटीजर तो इंटीजर में इंटीजर का एडिशन हो जाए, मैं पास करूँ फ्लोट तो फ्लोट का एडिशन हो जाए, डबल पास करूँ डबल का एडिशन हो जाए। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जेनरिक्स आए मार्केट में, .NET फ्रेमवर्क के अंदर जेनरिक्स। तो मैं इस काम को करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इन तीन फंक्शन की जगह एक फंक्शन बन जाए और मेरा काम हो जाए। तो देखो फ्रेंड कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ, हटाया मैंने इसको, इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। देखो फ्रेंड कैसे करेंगे इस काम को, इसको हटा देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि तीन फंक्शन की जगह एक ही फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन कैसे होगा, जेनरिक की हेल्प से। अब हम इस एडिशन मेथड को जेनरिक बनाएंगे, जेनरिक मतलब देखो जेनरिक कैसे बनाते हैं, जेनरिक बनाते हैं, मुझे मेथड को जेनरिक बना रहा है तो मेथड के नेम के साथ मुझे एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट। तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसके अंदर एक पैरामीटर दे देंगे,
टी, क्या लिखा फ्रेंड मैंने, टी टी लिख सकते हो, अपना नेम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब तो मैं टी लिख रहा हूँ, टी स्टैंड फॉर डेटा टाइप, कि जो एडिशन मेथड है किस डेटा टाइप पे वर्क करेगा। तो मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ रिटर्न टाइप क्या होगा, टी, ठीक है, टी डेटा टाइप हो गया, रिटर्न टाइप भी क्या हो गया, टी रिटर्न टाइप, टी रिटर्न टाइप, टी। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, टी, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, टी, ठीक है फ्रेंड। मैं चाहता हूँ एक ऐसा एडिशन मेथड, एडिशन मेथड एक ही बनेगा और उसमें मैं सिर्फ टाइप पास करूँगा डेटा टाइप और वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, डायनेमिक कीवर्ड यूज़ करेंगे, डायनेमिक नंबर वन इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, डायनेमिक नंबर टू इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, नंबर वन नंबर टू। देखो फ्रेंड, डायनेमिक कीवर्ड, ये डायनेमिक कीवर्ड हमने यूज़ किया, तो डायनेमिक कीवर्ड क्या कर रहा है, कोई भी टाइप आएगी चाहे इंटीजर आए, फ्लोट आए, डबल आए, वो उसके उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा। सपोज़ कीजिए इस एडिशन मेथड में मैंने पास किया इंट, यहाँ पे क्या पास करेंगे हम इंट कॉलिंग टाइम पे, तो सब जगह इंट हो जाएगा, रिटर्न टाइप भी इंट हो जाएगा, पैरामीटर की टाइप भी इंट हो जाएगी और मेथड की टाइप भी इंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब इंटीजर आया, फर्स्ट नंबर अगर इंटीजर टाइप है, तो रन टाइम पे डायनेमिक कीवर्ड उस इंटीजर वन, उस इंटीजर वैल्यू को नंबर वन में कॉपी कर देगा और फिर सेकंड नंबर में जो वैल्यू होगी उसको नंबर टू में कॉपी कर देगा और उसका रिटर्न टाइप भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अगर किसी यूज़र ने फ्लोट पास किया है, यहाँ भी फ्लोट, यहाँ भी फ्लोट, फ्लोट, तो ये जो डायनेमिक कीवर्ड है ये उस फ्लोट नंबर को इस नंबर की वन की टाइप बना देगा रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे नहीं। देखो फ्रेंड, कंपाइल टाइम पे हम इसे कॉल करूँगा, इस एडिशन मेथड को कॉल कैसे करेंगे, एग्जाम्पल क्लास है इसके अंदर, इस कॉल करना है मुझे एडिशन मेथड को, कहाँ से करेंगे, मेन से। तो कैसे करेंगे फ्रेंड, देखो अब कॉल कैसे करेंगे, इसको कॉल करेंगे क्लास की ऑब्जेक्ट से, ओ बी जे डॉट एडिशन। देखो फ्रेंड क्या आ रहा है, विद स्टूडियो का इंटेलिजेंस दिखा रहा है, एडिशन दिखा रहा है, एडिशन दिख रहा है आपको, एडिशन दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है फ्रेंड। देखो एंगुलर ब्रैकेट के साथ, एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है, एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है टी फर्स्ट नेम कॉमा टी सेकंड नंबर। तो आपको किस, आपको डेटा टाइप पास करना पड़ेगा, डेटा टाइप मीन्स सपोज मैं इंट पास कर रहा हूँ, इंट। तो मैं चाहता हूँ कि जो एडिशन मेथड है ये इंटीजर के लिए वर्क करे, तो आपको इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इंट, इंट सेकंड नंबर, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है। फर्स्ट नंबर में इंटीजर पास करना पड़ेगा आपको, सेकंड नंबर में इंटीजर पास करना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड, अब मैं लिख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ, जैसी मैंने पैरेंथेसिस ओपन की, लिखा हुआ है टी, फिर से टी में कन्वर्ट हो गया, मैं लिख रहा हूँ फ्लोट। तो फ्लोट लिखते हैं, देखो फ्रेंड हो गया कन्वर्ट फ्लोट में, फ्लोट फर्स्ट नंबर, फ्लोट सेकंड नंबर। तो कंपाइल टाइम पे मैं उस मेथड को कॉल कर रहा हूँ और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कंपाइल टाइम पे कि वो एडिशन मेथड किस डेटा टाइप पे वर्क करेगा, इंटीजर, फ्लोट, डबल करेक्टर, किस पे वर्क करेगा। तो फ्रेंड मैंने पास किया फ्लोट, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नंबर ही फ्लोट देना पड़ेगा, सेकेंड नंबर भी फ्लोट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ इंट, इंट, अब मैं पास कर रहा हूँ वैल्यू 10, 20। देखो फ्रेंड एरर हट गई, यहां से कॉलिंग होगी, कॉलिंग होगी, यहां से एडिशन मेथड कॉल होगा। कंपाइल टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि एडिशन मेथड, ये एडिशन मेथड किस पे वर्क करेगा, इंटीजर पे वर्क करेगा। तो यहां पे क्या आएगा, इंटीजर। तो ये ऑटोमेटिकली सब कन्वर्ट होगा इंटीजर में, यहां भी इंटीजर आएगा, यहां भी इंटीजर हो जाएगा, रिटर्न टाइप भी इंटीजर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड, अब इसे मैं रन करूंगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ डीबग करके कॉलिंग कैसे होगी। एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड, ये जो डायनेमिक कीवर्ड है ये कंपाइल टाइम पे इन लाइंस को, जहाँ पे डायनेमिक कीवर्ड यूज़ हो रहा है उसको कंपाइल नहीं होने देता है,
कंपाइल टाइम पे ये स्किप हो जाती है दोनों लाइन। डायनेमिक कीवर्ड रन टाइम पे वर्क करता है, रन टाइम पे मीन्स रन टाइम पे वैल्यू जाएंगी 10 और 20 क्या इंटीजर, यहाँ पे आएंगी 10 और 20। फिर देखेगा डायनेमिक कीवर्ड देखेगा कि फर्स्ट नंबर के अंदर 10 इंटीजर है तो इस नंबर वन की टाइप इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड नंबर में क्या है इंटीजर, तो ये डायनेमिक कीवर्ड सेकेंड नंबर की टाइप में जो इंटीजर है उसको नंबर टू में कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। मीन्स नंबर वन नंबर टू में मैंने कहीं नहीं लिखा इंटीजर फ्लोट डबल। एक बात नोट करने वाली है कि नंबर वन नंबर टू जो ये वेरिएबल्स हैं इनकी डेटा टाइप मैंने डिफाइन नहीं किए हैं, इनकी डेटा टाइप क्या है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब रन टाइम पे डिफाइन होंगे। रन टाइम पे मतलब फर्स्ट नंबर की अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो ऑटोमेटिकली ये डायनेमिक कीवर्ड नंबर वन की डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। या अगर ये सेकंड नंबर की टाइप फ्लोट है तो ये डायनेमिक कीवर्ड नंबर टू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो डायनेमिक कीवर्ड क्या है फ्रेंड, रन टाइम पे डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है। तो कंपाइल टाइम पे डायनेमिक कीवर्ड इन दोनों लाइन को स्किप कर देगा कंपाइल होने से। तो कंपाइल टाइम पे हमने कंपाइलर का बेवकूफ़ बना दिया डायनेमिक कीवर्ड की आपसे, क्योंकि हमने टाइप नहीं लिखी है तो कंपाइलर सोचेगा समझेगा कि डायनेमिक कीवर्ड है तो उसको स्किप कर देगा। क्यों, क्योंकि रन टाइम पे डिफाइन होगी इन वेरिएबल्स की टाइप। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको डीबग करके दिखा देता हूँ, प्रोग्राम रन करेंगे। देखो फ्रेंड ये देखो कंट्रोल मेन के अंदर आया, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा पहले, हो गई कॉलिंग। अब देखो फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20, टाइप में दिखाई नहीं दे रहा है। देखो कॉपी होगा, 10 आ गया, नंबर वन में 10, नंबर टू में 10। हमने नंबर वन नंबर टू की टाइप डिफाइन नहीं की थी, हमें डेटा टाइप नंबर वन का डेटा टाइप हमें नहीं पता, नंबर टू का डेटा टाइप नहीं पता, लेकिन डायनेमिक कीवर्ड ने फर्स्ट नंबर की वैल्यू, फर्स्ट नंबर में कहता 10 तो ये कॉपी हुई नंबर वन में तो ऑटोमेटिक नंबर वन की टाइप होगी इंटीजर। ऐसे सेकंड नंबर में कहता 20, 20 क्या इंटीजर, तो डायनेमिक कीवर्ड ने नंबर टू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों का सम रिटर्न हो जाएगा, देखो फ्रेंड 30 आ गया, आउटपुट आपके सामने है, एडिशन रिजल्ट इज 30। अब आपने कहा कि सर अब मुझे फ्लोट वैल्यू पास करनी है, तो फ्लोट कर देंगे फ्रेंड। तो यहां पे आपको देना पड़ेगा फ्लोट, देखो फ्रेंड फ्लोट लिख दिया मैंने। अब ये मेथड एडिशन मेथड फ्लोट पे भी वर्क करेगा। अब ये जितनी भी टाइप्स हैं सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो फ्रेंड अब इसको रन करेंगे फिर से, मैं फिर से रन कर दिखाता हूँ आपको। मेन के अंदर आया कंट्रोल, पहले इंटीजर के लिए काम करेगा 10 20, इंटीजर के लिए काम कर रहा है फंक्शन, रिजल्ट आ गया 30। अब रिजल्ट टू में क्या आएगा फ्लोट। अब देखो फ्रेंड हमने फ्लोट वैल्यू पास की है तो अब ये किस में, अब ये एडिशन मेथड किसके लिए वर्क करेगा, फ्लोट डेटा टाइप के लिए। तो देखो फ्रेंड नंबर वन कितना आ गया 10.2, 30.4, कंट्रोल वापस आया, मैंने वो प्रिंट नहीं कराया था लेकिन वो वर्क कर रहा है। देखो फ्रेंड अभी जो एडिशन मेथड है, एडिशन मेथड एक ही मेथड एक ही है, एक ही मेथड इंटीजर के लिए भी काम कर रहा है, एक ही मेथड ये एडिशन मेथड फ्लोट के लिए काम कर रहा है। अब आपने कहा सर मुझे डबल के लिए करना है, तो डबल के लिए भी कर लो। मुझे यहां क्या पास करना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर डबल। अब डबल का किया मैंने, तो डबल किया फ्रेंड मैंने, देखो अब ये मेथड एडिशन मेथड डबल के लिए काम करेगा, डबल डेटा टाइप के लिए भी। देखो फ्रेंड कॉलिंग करते हैं, तो पहले कौन सा मेथड कॉल होगा, इंटीजर, इंटीजर कितना आ गया 30। अब ये फ्लोट के लिए काम करेगा, देखो मल्टीपल डेटा टाइप के लिए काम कर रहा है, एक ही कोड मल्टीपल डेटा टाइप के लिए काम कर रहा है। अब देखो ये मल्टीपली काम कर रहा है डबल, अब तीनों को वैल्यू को प्रिंट करा दी मैंने। देखो फ्रेंड एडिशन इज 30, फ्लोट एडिशन इज 40.6, डबल एडिशन रिजल्ट इज 416.6। तो फ्रेंड पहले हमने तीन मेथड बनाए थे, देखो पहले तीन मेथड बनाए थे एडिशन के, इंट का अलग था, फ्लोट का अलग था, डबल का अलग था, तीन मेथड थे। लेकिन मैंने जेनेरिक की हेल्प से, जेनेरिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक ही मेथड बनाया एडिशन, उसमें टाइप डिफाइन की
और मैंने सिर्फ कॉलिंग टाइम पे, कंपाइल टाइम पे डिसाइड किया कि वो एडिशन मेथड किस नंबर पे वर्क करे, किस डेटा टाइप पे वर्क करेगा। इंटीजर फ्लोट, डबल करेक्टर स्ट्रिंग, जो भी आप टाइप पास करेंगे वो मेथड उसी पे वर्क करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड इस तरह के कोड जब हम बनाते हैं कि एक ऐसा कोड जो मल्टीपल डेटा टाइप के लिए वर्क करे उसको हम जेनरिक बोलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जेनरिक्स मेक्स कोड टाइप इंडिपेंडेंट। ये जो एडिशन मेथड है, ये जो एडिशन मेथड है ये टाइप इंडिपेंडेंट हो गया। टाइप इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी डेटा टाइप पर डिपेंड नहीं है। इंटीजर फ्लोट डबल ये किसी भी टाइप पे वर्क करेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया पहले हमने तीन मेथड बनाए थे, अब मेरा काम एक ही मेथड से हो रहा है। तो ये मेथड हमने कैसे बनाया, जेनरिक की हेल्प से। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कुछ। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये प्रैक्टिकल, तो हमने एक एडिशन मेथड बनाया जो मल्टीपल टाइप पे वर्क कर रहा है, इसे कहते हैं जेनरिक, जेनरिक मेथड। तो फ्रेंड आप क्लास भी बना सकते हो जेनरिक, मैंने आपको बताया था क्लास, क्लास को जेनरिक बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप जेनरिक टी, क्लास भी बन जाती है। तो क्लास कैसे बनाते हैं फ्रेंड, एंगुलर ब्रैकेट लगाना पड़ता है क्लास के नियम के साथ, और उसमें टाइप पास करनी पड़ती है टी। जैसे एग्जाम्पल है ये क्लास जी एफ जी टी, टी डेटा टाइप, पब्लिक टी वैल्यू, गेट सेट टिज। तो फ्रेंड देखो कॉलिंग कंपाइल टाइम पे जी एफ जी मैंने क्या पास किया, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पास किया तो सब जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। क्लास का नेम भी में स्ट्रिंग हो जाएगा, टी डेटा टाइप ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा। तो आप क्या पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। फिर मैंने कहा ये क्लास वर्क करेगी फ्लोट पे, तो आप फ्लोट भी कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड मैं इसको एक एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल बता देते हैं इसका भी। अभी हमने क्या बनाया, मेथड जेनरिक बनाया है, जेनरिक मेथड। ये क्या है, जेनरिक मेथड। अब मैं बना रहा हूँ क्लास जेनरिक, तो मैं एक क्लास और ऐड कर रहा हूँ, एक क्लास और ऐड कर रहा हूँ फ्रेंड्स में। क्लास ऐड कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल टू एक क्लास ऐड की मैंने। ठीक है फ्रेंड, स्टैटिक स्ट्रिंग ए आर जी एस। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने आपसे कहा अब हम क्लास को जेनरिक बनाएंगे। तो एक क्लास बना रहा हूँ मैं जेनरिक, क्लास सपोज क्लास का नेम है जी एफ जी। तो क्लास जेनरिक बनाने के लिए फ्रेंड एंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहाँ पे पास कर रहा हूँ मैं टी। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने मेथड जेनरिक बनाया था, एडिशन मेथड को जेनरिक बनाया था, एंगुलर ब्रैकेट के साथ टी पास किया था। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्लास के साथ, क्लास को मैंने जेनरिक बनाया, क्लास को जेनरिक कैसे बनाते हैं, एंगुलर ब्रैकेट की हेल्प से। और उसमें मैंने पास किया टी, नेम कुछ भी हो सकता है, टी आप अपना नाम दे सकते हो, मेरा नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड, अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जेनरिक टाइप का। तो मैंने लिखा टी डेटा, तो ये प्राइवेट फील्ड है, मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, प्रॉपर्टी बना रहा हूँ जेनरिक। तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड, पब्लिक टी टाइप का और नेम। तो फ्रेंड मैंने क्लास बनाई जेनरिक, उसके अंदर टी लिखा टाइप, एक वेरिएबल बनाया जेनरिक उसमें टी लिखा, एक प्रॉपर्टी बनाई उसकी टाइप क्या, टी रिटर्न टाइप। ठीक है, गेट सेट लिखेंगे, गेट सेट रिटर्न दिस डॉट डेटा। प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टीज बनाते हैं, प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से मिले। दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू वैल्यू। अगर आपको नहीं पता प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके हाउ टू क्रिएट प्रॉपर्टीज या व्हाट इज़ प्रॉपर्टी के नाम से वीडियो है, उससे स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं देखो मैंने एक क्लास को जेनरिक बनाया, क्लास जी एफ जी, उसमें टाइप पास की टी, टी डेटा, एक वेरिएबल बनाया प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल उसकी भी टाइप क्या है टी, एक प्रॉपर्टी बनाई उसकी भी टाइप क्या है टी, और प्रॉपर्टी के अंदर मैंने गेट सेट यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड,
अब इसे कॉल करेंगे क्लास को, तो देखो क्लास को कॉल करेंगे कंपाइल टाइम पे, तो जी एफ जी, देखो एंगुलर ब्रैकेट में टी पूछ रहा है, तो मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग पास करूँ इसमें, इसकी क्लास किस पे वर्क करेगी, स्ट्रिंग पे, तो देखो फ्रेंड मैंने कंपाइल टाइम पे डिसाइड किया कि जो जी एफ जी क्लास है ये किस पे वर्क करेगी, स्ट्रिंग पे, ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग पास किया तो इसका ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा, देखो फ्रेंड ओ बी जे डॉट डेटा प्रॉपर्टी एक्सेस होगी, डेटा प्रॉपर्टी का नेम क्या है, डेटा इज इक्वल टू कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो देखो फ्रेंड मैंने पास किया कंपाइल टाइम पे कि ये क्लास मैंने टाइटली बाउंड कर दिया कि ये क्लास स्ट्रिंग पे वर्क करेगी, तो मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो क्या मैं अदर डेटा टाइप पास कर सकता हूँ, ओ बी जे डॉट डेटा इज इक्वल टू, देखो फ्रेंड कंपाइल टाइम आ रही है, आप इंटीजर वैल्यू पास नहीं कर सकते, आप सिर्फ स्ट्रिंग पास करेंगे, आपने टाइटली बाउंड बना दिया, आप सिर्फ स्ट्रिंग ही पास करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये इंटीजर भी इंटीजर पे ही वर्क करें तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे, फिर से जी एफ जी इंट ओ बी जे टू इज इक्वल टू न्यू जी एफ जी इंट ओ बी जे टू, देखो फ्रेंड एरर हट गई, एरर हट गई है, तो ये जो क्लास है आपकी जी एफ जी ये स्ट्रिंग पे भी वर्क कर रही है, जो क्लास है आपकी जी एफ जी इंटीजर पे भी वर्क कर रही है, क्लास एक है लेकिन मल्टीपल डेटा टाइप पे वर्क कर रही है, स्ट्रिंग पे भी कर रही है, इंटीजर भी कर रही है, आप फ्लोट भी पास कर सकते हैं, आप डबल भी पास कर सकते हैं, तो क्लास एक ही है, एक क्लास को अगर मल्टीपल डेटा टाइप पे वर्क करा सकें उसे जेनरिक बोलते हैं, तो हमने क्लास को क्या बनाया, जेनरिक, जेनरिक क्लास, तो हमने क्या बनाया फ्रेंड, कोड इंडिपेंडेंट किया, इस क्लास को हमने डेटा टाइप इंडिपेंडेंट कर दिया, ये जो क्लास है इस ये क्लास है, क्लास के अंदर जो वेरिएबल है इसकी जो प्रॉपर्टी है ये किसी भी डेटा टाइप पे वर्क करेगी, तो आपको कंपाइल टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो जी एफ जी क्लास है किस पे वर्क करेगी, स्ट्रिंग पे, ये जो जी एफ जी क्लास है इंटीजर पे वर्क करेगी, ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू इज प्लस ओ बी जे डॉट डेटा इंट वैल्यू, हमने इंट पास की थी, इंट वैल्यू ओ बी जे टू डॉट डेटा, ठीक है फ्रेंड, इसको डिसाइड करेंगे, इसके अंदर मेन है तो एग्जाम्पल टू के नाम से इसको रन करेंगे, तो देखो फ्रेंड इसको रन कर रहा हूँ मैं, आउटपुट आपके सामने आ जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यूज़ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंट वैल्यूज़ 10, तो फ्रेंड क्लास एक ही है, क्लास सिर्फ एक है लेकिन वो मल्टीपल डेटा टाइप पे वर्क कर रही है, ऐसे ही मेथड एक है लेकिन वो मल्टीपल डेटा टाइप पे वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब हमने एक एडिशन मेथड बनाया जो टाइप इंडिपेंडेंट है, कोई भी टाइप पास कीजिए वर्क करेगा, ऐसी हमने क्लास बनाई है जो टाइप इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी टाइप पास कीजिए वो वर्क करेगी, तो फ्रेंड इसे बोलते हैं जेनरिक, जेनरिक्स मेक्स कोड टाइप इंडिपेंडेंट, तो ऐसे कोड जो टाइप इंडिपेंडेंट होते हैं किसी टाइप पर डिपेंड नहीं होते कॉल्ड जेनरिक्स, ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए, ठीक है फ्रेंड, तो फिर से बताता हूँ मैं आपको, यूज जेनरिक टाइप्स टू मैक्सिमाइज कोड रीयूज, तो फ्रेंड आपने सिर्फ कोड एक ही बार बनाया ना, आपने क्लास एक बनाई उसको बार बार यूज़ कर लीजिए, बस उसमें आपको टाइप पास करनी है, आपने मेथड बनाया एक उसमें मल्टीपल टाइप पास कीजिए वर्क कीजिए, तो क्या आ गया, रीयूजेबिलिटी आ गई, फिर नेक्स्ट है टाइप सेफ्टी, टाइप सेफ है
क्योंकि अगर आप इंटीजर पास करें तो इंटीजर ही पास करना पड़ेगा। अगर कोई यूज़र आपका कोड हैक कर रहा है और आपने कंपाइल टाइम पे इंट लिखा है उसमें कि वो इंट ही एक्सेप्ट करेगा, तो कोई यूज़र उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो टाइप सेफ्टी भी है एंड परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसमें टाइप कास्ट नहीं करना पड़ता है, आप सिर्फ वैल्यू पास कीजिए और काम कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ जेनिक्स टू क्रिएट कलेक्शन क्लासेस। फ्रेंड कलेक्शंस कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड है। जो आपके कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस मतलब बनी बनाए क्लासेस हैं जो ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करती हैं, डेटा पर वर्क करती हैं, तो वो सब जेनरिक और नॉन जेनरिक दोनों तरह की होती हैं। तो वो जेनरिक पे भी डिपेंड है। तो हमारे पास कलेक्शन में दो तरह के कलेक्शन है, जेनरिक नॉन जेनरिक। वो आगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। द डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी कंटेन्स सेवरल न्यू जेनरिक कलेक्शन क्लासेस सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनरिक। अगर आप जेनरिक्स पे वर्क करना चाहते हैं, जो जेनरिक्स बनी बनाई क्लासेस हैं, जो इस तरह की क्लासेस हैं कि आप कोई भी पैरामीटर पास कीजिए कंपाइल टाइम पे, कोई डेटा टाइप का काम पास कीजिए, वो सब पे वर्क करेगा, तो आपको नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। एक ऐसी क्लासेस बनी बनाई क्लासेस जो जेनरिक हैं, आप कोई भी टाइप पास कीजिए वो काम करना शुरू कर देती हैं। तो फ्रेंड उसके लिए आपके पास नेम स्पेस है सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनरिक। तो फ्रेंड जेनरिक के बहुत फ़ायदे हैं, विदाउट कलेक्शन सिस्टम देखिए। आप अगर आप कलेक्शन स्टडी करना चाहते हैं तो आपको जेनरिक का पता होना चाहिए। आप डॉट नेट प्रोजेक्ट तभी बना सकते हैं जब आपको जेनरिक्स की या कलेक्शंस की नॉलेज होगी। ठीक है फ्रेंड, तो जेनरिक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।